आज मैं बनाने वाली हूँ चौको लावा केक, और वो भी अपम मेकर में। तो इजीली और फटाफट से बन जाएगा। इसके लिए नो ओवन कुछ नहीं चाहिए हमें। तो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। बैटर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 कप मैदा, आधा कप बटर, ये मेल्टेड बटर है और ये घर का बटर है, आप मार्केट वाला बटर भी ले सकते हो। और अब मैंने डाला है 1/2 टेबल स्पून बेकिंग सोडा और 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, 3 चॉप सॉल्ट और 3 से 4 चम्मच पाउडर शुगर और 1 कप दूध। तो 1 कप हमने मैदा लिया था, तो सामने 1 कप हम दूध डालेंगे। और लास्ट में मैंने 1/2 टेबल स्पून वनीला एसेंस ऐड किया है, क्योंकि इससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़ जाएगा। और अब इसको हम अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। आप ये प्रोसेस मिक्सर जार में भी कर सकते हो। हमें 5 से 7 मिनट इसको ब्लेंड करना है, तो 5 से 7 मिनट में हमारे ये बैटर एकदम परफेक्ट रेडी हो जाएगा। तो देखिए, मिनटों में हमारा बैटर बन के रेडी हो चुका है। आप देख सकते हो कि हमें ऐसा ही बैटर चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ा और ना ज़्यादा लिक्विडी। अब मैंने ले लिया है 1 डार्क चॉकलेट बार और उसको मैं छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूंगी। आप चाहे तो यहाँ पे कोई सा भी चॉकलेट ले सकते हो। अब मैंने ले लिया है 1 अपम स्टैंड और इसके अंदर मैंने बटर लगा दिया है। इसको बटर से अच्छे से ग्रीस कर लेना है। और अब जो हमने बैटर बनाया था वो इसके अंदर हम डाल देंगे। इसको हम पूरा नहीं भरेंगे, इसको आधा खाली रखेंगे, आधा ही हमें इसके अंदर भरना है। और अब बीच में रखेंगे 1-1 चॉकलेट का पीस। अब उसको फिर से बैटर से पूरा फिल कर देना है। अब उसको ढक के 5 से 7 मिनट उसको एकदम लो फ्लेम पे पका लेना है। तो 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, तो देखिए हमारे चोकोलावा केक नीचे से एकदम रेडी हो चुके हैं। तो उसको हम एक टूथपिक की हेल्प से पलट देंगे। और अब दूसरी साइड भी हम 5 से 7 मिनट उसको अच्छे से पका लेंगे। अब मैंने यहाँ पे लिया है 1 चॉकलेट कंपाउंड, आप कोई सा भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पे मिल्क कंपाउंड लिया है, उसको मैं कट कर लूंगी। और अब डबल बॉयलर की हेल्प से मैंने उसको मेल्ट कर लिया है। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा डार्क चॉकलेट भी ऐड किया था। तो ये हमारे चोकोलावा केक एकदम रेडी हैं, एकदम स्पॉन्जी एंड सॉफ्ट। तो अब उसको हम सर्व कर लेंगे। तो एक टूथपिक लेना है, उसके अंदर हम 1 चोकोलावा केक फंसाएंगे और अब उसको जो हमने चॉकलेट मेल्ट किया था उसके अंदर पूरा डिप करना है और उसको एंजॉय करना है गर्मा गर्म। तो यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी बना था। तो आप एक बार घर पे ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही मज़ा आएगा। बहुत ही सिंपल और ईजी रेसिपी है और टेस्ट में बहुत ही मस्त है। तो ऐसे ही मज़ेदार रेसिपी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक भी करना। एंड अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय श्री कृष्ण।